हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। पिछले ब्लॉग्स में हम अरहेल घाट घूमने गए थे, वहाँ पे हमने ढेर सारी चीज़ें खाई थी। उसके बाद हम फिर वापस से जब घर आए थे तो स्विमिंग पूल साइड गए थे, वहाँ पे मस्ती की थी। उसके बाद का ब्लॉग क्या है, वो ये है कि हो चुके थे रात के 10:30-11 बज रहे थे अभी, ठीक है। 10:30-11 बजे का व्यू है और मेरा भाई यहाँ पर बलून फुला रहा है। बलून क्यों फुला रहा है, क्योंकि रात के 12 बजे था मासी का हैप्पी वाला बर्थडे। तो हम शुरू हो गए थे डेकोरेशन में और अपने भाई को मैंने ये सौंप दिया काम कि भाई चल तू बलून फुला ले, और वो पूरे तन मन धन से बलून फुलाने में लगा हुआ था। उसके बाद ये कुछ बैनर्स हैं जो कि बर्थडे का बैनर मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। कुछ पहले तो समझ में नहीं आ रहा था यार करूँ क्या, तो फिर मैंने सोचा कि भाई दो दो ट्राईपॉड्स हैं उसको निकालते हैं और उसमें लगा देते हैं। तो आइडिया थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो ना तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर हैप्पी का एक गायब था भाई साहब, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट वालों, ये तुमने सही नहीं किया। तो अभी तो हमारे पास एक का जुगाड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, लेकिन फ़िलहाल का डेकोरेशन कुछ ऐसा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ डेकोरेशन था ये कुछ, ठीक है। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, एका देखा जाएगा करना क्या है बाद। अच्छा, मासी घर पे थी, सरप्राइज का एस भी नहीं कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो हमने ऐसे ही सारे डेकोरेशन मासी के सामने की, फिर ये केक मौसी को सौंपा। केक जो है वो भैया की तरफ से था, भैया ने बोला मौसी के लिए मैं ऑर्डर कर देता हूँ केक, ठीक है। मेरे बड़े भैया ने केक ऑर्डर किया और यहाँ पे एक का जुगाड़ हो चुका है, ठीक है। बहुत ही अच्छा जुगाड़ हमें ये मिला। भाई को हमने बोला कि भाई तू ए जब तक बर्थडे ख़त्म नहीं होता तू इसी पोजिशन में ए लेके खड़े रहे, वो बहुत खुश था इस पोजिशन को लेके, ठीक है। फिर भैया की तरफ से जैसा कि मैंने बताया मौसी को केक ऑर्डर किया था, और यार क्या बोल रही हूँ मैं, भैया की तरफ से केक था ये मौसी के लिए, ठीक है। तो पहले तो हमने कुछ डार्क ब्राउनी चॉकलेट करके कोई केक किया था, और जब केक देखा ना तो केक कुछ और ही था भाई साहब। मौसी का रिएक्शन ये था, यही केक मिला तुम लोग को, जबकि हमने केक ऑर्डर ही नहीं किया था। फिर भैया ने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया। फिर मौसी बोली चलो अब जो आ गया इसी से काम चला लेते हैं। और मेरा भाई देखो यार कितनी शिद्दत से अपने काम में लगा हुआ है, बैनर को लेके खड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने कुछ फोटोज खींची, स्नैपचैट जिंदाबाद। फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे, 12:01 बाकी था तभी लाइट चली जाती है, ठीक है। तो फिर हमने इसी में मासी का बर्थडे मनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मासी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये करने के बाद मासी ने मौसा जी को केक खिलाया, मौसा जी ने मौसी को केक खिलाया। एक बुरी चीज़ ये थी कि पीनू सो गई थी, इसलिए पीनू मम्मी का बर्थडे अपना देख नहीं पाई, नहीं तो पीनू जगी रहती तो हर टाइम वाओ वाओ करती, ठीक है। फिर मासी ने मुझे केक खिलाया एंड ये रिकॉर्डिंग मेरे मौसा जी कर रहे थे। तो हमने केक वगैरह खाया। उसके बाद जो नेक्स्ट डे जिस दिन मासी का बर्थडे था, ये इवनिंग टाइम का व्यू है, और मेरा भाई अभी सारे बैग्स वगैरह कार में रख रहा है, क्योंकि आज ही मासी की ट्रेन भी थी। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और पुराने वाले फ्लैट पे चलेंगे, फिर वहाँ से हम लोग स्टेशन चले जाएंगे। तो ये शाम का टाइम था, अभी ओमेक से हम वापस से जा रहे थे अपने पुराने वाले घर, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट जाते। ये सारी चीज़ें डिस्कशन चल रही थी। अब यहाँ पे मेरा भाई भैया और मौसा जी ये डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ चले, तो मैंने एडवाइस दिया कि यार चलो एलजी को चलते हैं, अच्छा रेस्टोरेंट है, खाने वगैरह भी ढंग के वहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मम्मी आ गई, और यहाँ पे भी थोड़ी देर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, और यहाँ पे फिर अभी हम यहाँ से जाएंगे वापस से पुराने वाले फ्लैट पे। तो अभी चलो फिर चलते हैं। और मैं, मम्मी, पापा और मौसी हम थे एक कार में, और मौसा जी, मेरा भाई और भैया वो थे एक कार में, ठीक है। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं और कार में हमने हमेशा की तरह भोजपुरी गाने सुने, ठीक है। आधे एक घंटे लगते हैं हमें ओमैक से वापस से पुराने वाले फ्लैट पे जाने पे, मतलब सिविल लाइन्स जाने पे। तो वापस अभी हम शाम हो चुकी थी, शाम के 7:30 बज चुके थे। तो फाइनली हम आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और ये जो एल चिको का रेस्टोरेंट, यहाँ के पेस्ट्रीज और केक इतने यम होते हैं ना यार, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ट्राई करना जो प्रयागराज में, ठीक है। और कभी प्रयागराज आओ भी तो एल चिको का पेस्ट्रीज और केक ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। मैं यहाँ पे केक वगैरह देख रही थी, तब तक मेरे दोनों भाई और मौसा जी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि चल केक वगैरह देख लेते। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने ले लिया है ऑलरेडी, और मैंने एक मिनी केक ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत बड़ा
मुझे नहीं समझ में आया, मुझे छोटा सा क्यूट सा अच्छा लगा तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद आगे थे हम लोग सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। टेबल्स हमने पहले ही बुक नहीं करवाई थी जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, 5-10 मिनट। अगर तुम यहाँ पे जाओ तो पहले टेबल्स बुक करवा लो तो ज़्यादा सही रहता है, डिनर टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे अपने डिनर टेबल पे, और एक एक करके हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या लेना है स्टार्टर में, ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पे मौसी कुछ बोल रही थी मौसा जी से, ठीक है। तो अभी मेन्यूज़ वगैरह चेक कर रहे हैं, और पीनू थी बहुत ज़्यादा खुश हमेशा की तरह। और फिर हम यहाँ पे बैठ के वेट करने लगते अपने स्टार्टर का। तो भैया इंजॉय कर रहे थे अपना लेमन सोडा हमेशा की तरह, और फिर आ जाता है हमारा ये यमी सा स्टार्टर। अच्छा एक बात बता दूँ, सबको पता है सावन चल रहा है, तो यहाँ पे ना आप क्या कहते हैं यार वो जैन फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन हमारा जो स्टार्टर था वो कुछ पनीर मशरूम फ्राइड करके कुछ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। में फिर मम्मी पापा आ गए। एक्चुअली क्या था ना कि मम्मी पापा चले गए थे पुराने वाले फ्लैट पे, कुछ काम वगैरह करना था, वो सेट वगैरह करके वो लोग वापस से आ जाते हैं। तो हमने तो यार देखो इतने दिनों की मेहनत, 1 महीने की मेहनत मैंने अपने पानी में फेर दी। पिछले 1 महीने से मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खा रही थी, लेकिन मौसी के बर्थडे के दिन मैंने सब नाश कर दिया, ठीक है। तो आज मैंने प्याज लहसुन वाली स्टार्टर वगैरह सब खा ली थी। और उसके बाद फिर मनाते हम मासी का बर्थडे, तो ये वो केक है, और जितना टेस्टी दिख रहा है उतना ही टेस्टी था खाने में भी, ठीक है। एक छोटा सा केक है ये, और चॉकलेट ब्राउनी केक करके कुछ था। और फिर उसके साथ इन्होंने ये मैच स्टिक वगैरह कैंडल वगैरह दी थी जो कि मम्मी जला रही थी। फिर यहाँ पे शाम का टाइम था, और फिर से हमने हैप्पी बर्थडे टू यू क्या स्टार्ट में स्टार्टर्स वगैरह भी आ रहे थे जो कि हम धीरे धीरे इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी कैंडल जला रही है, और एक ही कैंडल था। फिर उसके बाद मासी ने केक कट किया और फिर सबको एक एक करके खिलाया। अभी पापा को खिला रही, और सबने एक एक स्पून खाया, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यार ये जो भी था, ठीक है। फिर मौसा जी का रिएक्शन ये था, बहुत बढ़िया केक है यार, मज़ा आ गया खा के, मज़ा आ गया खा के, ठीक है। तो बस ये केक वगैरह हम लोग ने खाया एक एक करके, एंड देन ये अब मेरी बारी है यार, मुझे भी खिला दो। तो ये एक बाइट था मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। और मौसा जी को इतना पसंद था कि मौसा जी ने बोला है कि प्लीज़ मुझे भी एक और बार खिला दो। देन लास्ट में पीनू ने ये बोला कि भाई जितना केक है अब वो मेरा है। और फिर पीनू पाउट बना बना के सारी केक्स खाए जा रही थी। पीनू को बहुत टेस्टी लगा ये केक। उसके बाद खाने वाने के बाद आ जाता है हमारा डिनर। और जैसा कि आप सभी को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं कितना खाती हूँ, ठीक है। तो हमने कुछ जैन फूड भी ऑर्डर किया था जिसमें प्याज लहसुन नहीं था, और उसके बाद से नॉर्मल फूड भी था। अच्छा मेरे प्लेट में देखना बस ये 3 चीज़ें थी, और ये 3 चीज़ खाने में मुझे मौत आ गई। मुझे नहीं समझ में आता यार ये गार्लिक नान वगैरह, मुझे नॉर्मल रोटी खाने में इतना टाइम लगता है, ये तो फिर भी गार्लिक नान था। पता नहीं कैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गार्लिक नान खा के मैं गाय बन गई, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने एक अपना गार्लिक नान जैसे तैसे ख़त्म किया, डिनर ख़त्म हुआ। उसके बाद से हम वापस से जा रहे थे, तो यहाँ पे हम कर रहे थे सब भरत मिलाप, क्योंकि मौसी आज जा रही हैं, और यहीं से मौसी स्टेशन चली जाएंगी, मतलब नहीं पहले मौसी पुराने वाले फ्लैट पे जाएंगी और वहाँ से चेंज करके स्टेशन जाएंगी। और मेरा भाई, दोनों भाई रुक गए थे मौसा मौसी को ड्रॉप करने के लिए स्टेशन पे, और हम वापस से जा रहे थे ओमैक्स में। तो क्योंकि हाँ, तो फिर यहाँ से अभी हम आगे हैं अपने नए वाले फ्लैट पे। अच्छा देखो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करना यार, दिल बना के मत भेजना, कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही साथ बने रहना। एंड थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियोस इतना एंड तक देखते हैं। एंड मैं यही बोलूँगी कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड टिल देन बाय बाय।